कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली कुरैशी आपका स्वागत वेलकम खुश आमदीद करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जिस टॉपिक को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड। हम टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे तो हेल्थ इंडस्ट्री में हो रहे नए नए चेंजेस के बारे में। और हेल्थ इंडस्ट्री में जो आज एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं लेबोरेटरी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में पैथोलॉजिकल जो टेस्ट रहते हैं उस टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड आफ्टर हॉलीडे संडे मैं दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सब में पहले तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है मुझसे जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा, बशर्ते आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कीजिए, थोड़ी सी मदद मेरी कीजिए कि आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ये सब जो इन्वेस्टिगेशन मेडिकल फील्ड में हम करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशन हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो मेन टेस्ट जो हैं वो तीन चार हैं। जैसे कि हमें हमारे बॉडी में देखना है कि खून कितना है, तो हमें सीबीसी टेस्ट करना होगा। सीबीसी में हमें ये पता चलता है कि एचबी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, आरबीसी कितने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी पेशेंट को बुखार है, फीवर है, उसका आंग गर्म है, ताप जिसको मराठी में बोलते हैं, तो उसमें हम प्लेटलेट्स देखते हैं और डब्ल्यूबीसी। अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और ड्रास्टिकली कम हो गए हैं, प्लेटलेट की नॉर्मल से क्या 1.5 लाख से 4.5 लाख है, अगर वो 50,000 से कम हो या 1 लाख से कम हो तो दोस्तों खतरे की घंटी है। उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या, जिसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो दोस्तों मित्रों अगर आपके किसी पेशेंट को या आपको कभी बुखार है और वो 1-2 दिन से ज़्यादा है, सर दर्द है, पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, आंखों के सामने अंधेरी आ रही है, तो कृपया करके आप जो है सीबीसी करा लें। डॉक्टर अगर नहीं भी बात बोलता है तो आप उसको सामने से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आई वांट टू डू सीबीसी, मैं आपका सीबीसी करना चाहता हूँ। और सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें जितनी चीज़ें मैंने पीछे बताया वो सब मालूम होगी। और डॉक्टर मुझे मेरे डब्ल्यूबीसी और मेरे प्लेटलेट की संख्या जानना है या समझ लो देखना है। अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर है, 2 लाख के करीब, 2 लाख के ऊपर, तो फिर डरने की बात नहीं है, वायरल फीवर है। एंटीबायोटिक, प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओरल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे भी आपका कम हो जाएगा। अगर प्लेटलेट कम है तो फिर आपको आगे के टेस्ट करना होगा। डेंगू है, टाइफाइड है, रिकेट्शल फीवर है, ऐसे अलग अलग इसमें जो है टेस्ट हैं। लेकिन ये कब करेंगे हम दोस्तों? आजकल डॉक्टर लोगों के ऊपर भी बहुत से आरोप होते हैं कि अननेसेसरी बहुत से टेस्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम बहुत से पेशेंट्स को बताते हैं कि आप टेस्ट करो, लेकिन वो तैयार नहीं होते और आखिरी में उसका रिजल्ट खराब आता है। दोस्तों आपको पता है, ठीक है? तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपना सीबीसी करा लें और उसमें प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी ज़रूर देखें। प्लेटलेट बोले तो इसको हम सफ़ेद पेशी बोलते हैं।
नंबर सेकंड हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में करते हैं बीएसएल शुगर, तो शुगर भी हमें रूटीन टेस्ट में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। शुगर अगर बीएसएल अगर करें तो बहुत से नए पेशेंट हमें जिनको मालूम भी नहीं होता उनको शुगर है तो उनको अचानक मालूम पड़ता है कि मुझे शुगर हो गई। तो कभी भी आपको डॉक्टर बोले कि शुगर चेक करा लो तो कर लीजिए, कोई मसला नहीं। किसी पेशेंट को अगर शुगर है पहले से ही उसको डायग्नोस है तो उसने एच बी ए वन सी ये टेस्ट करना चाहिए। एच बी ए वन सी टेस्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि पिछले 3-4 महीने में शुगर लेवल कितना है। नॉर्मल पर्सन में 6 रहता है, किसी का 12 भी होता है, तो 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, के एफ टी है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, किडनी की खराबी में हम किडनी का देखते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट है, लीवर की रिपोर्ट देखते हैं हम। कोई पेशेंट अगर अल्कोहल पीता है तो उसका लीवर का जो टेस्ट है बिलिरुबिन कम ज़्यादा हो जाएगा। कोई पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, तो भी उसमें बिलिरुबिन कम ज़्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम सीरम बिलिरुबिन या इसको एलएफटी बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट है, यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें हम वात गाउट को चेक करते हैं। फिर आर ए टेस्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो भी चेक करते हैं। एच आई वी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एच बी एस ए जी है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये टेस्ट हम जो है अगर समझो किसी पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ है तो उस कंडीशन में हम ये आगे के टेस्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल सी बी सी, बी एस एल, के एफ टी और ई एस आर, ये 4 टेस्ट किसी भी नॉर्मल पेशेंट के भी कर लेना चाहिए, विच इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। बाद में आता है अगर समझो सर आपको अगर खांसी होती है दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा आपको खांसी है तो आपने एक्सरे करा लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको डे 1 पहले दिन पेट में दुख रहा है ट्रीटमेंट लीजिए, कम नहीं हुआ। दूसरे या तीसरे दिन में अगर समझो पेट में दर्द ज़्यादा है तो तीसरे दिन या दूसरे दिन आपने सोनोग्राफी कर लेना चाहिए। या बहुत ही ज़्यादा दर्द पहले दिन ही है तो पहले दिन ही आपने सोनोग्राफी, पेट का USG होते हैं, वो कर लेना चाहिए। बाकी बहुत से टेस्ट हैं जैसा कि MRI है, CT स्कैन है ब्रेन का, MRI है, होल बॉडी CT स्कैन है, ऐसे बहुत से टेस्ट हैं जो कि हम घर पड़ने पर एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो, अगर आपको मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन